सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सॉल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में सब कुछ। दोस्तों सॉल्विन कोल्ड टैबलेट जब भी आप इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये है तो एक शेड्यूल जी प्रिपरेशन है और ये प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। सॉल्विन कोल्ड ये है तो इपका यानी कि IPCA कंपनी का ब्रांड है और ये 10 गोली के पैक में आपको मार्केट में अवेलेबल है। 10 गोली के प्राइस की बात करें तो 45 रुपये इसकी प्राइस होती है। इसके अंदर कंपनी ने पैरासीटामोल 500 mg में डाला हुआ है, उसी के साथ साथ फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg में और क्लोराम फेनिरामाइन 2 mg में डाला हुआ है। इसकी यूजेस साइड इफ़ेक्ट सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट की मदद से आप है तो आपका सर्दी ज़ुकाम खांसी या कोल्ड आना ये ठीक कर सकते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड है। आपके अगर आपको सर्दी की वजह से रनिंग नोज लग गई हो, नाक में से बार बार पानी आता हो या फिर ज़ुकाम आ जाता हो, तो उस कंडीशन में आप है तो सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आसानी से आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर और केमिस्ट की शॉप पर मिल जाएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे आपको नौशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डिजीनेस और सर चकराना जैसी शिकायत हो सकती है। और पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे आपको स्किन पर रैशेस वगैरह हो सकते हैं या फिर आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, लीवर और चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, उसी के साथ साथ थ्रोट में डिफ़िकल्ट हो सकता है, निगलने में आपको परेशानी हो सकती है, उसी के साथ साथ स्किन पर रैशेस खुजली आ सकती है। वैसे मैंने पैरासीटामोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियोस के लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आइए इसके डोज की अगर हम बात करें तो इसका डोज आपको 2 times in a day यानी कि दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं। इसको आपको खाना खाने के बाद लेना है या फिर आप डोज के सिलसिले में अपने डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप इसका डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू सॉल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।